हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ सिंगरी एरिया और शिव मंदिर। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग की दुनिया में। तो मैं सिंगरी पहुँच गया हूँ और पहुँचते ही मैंने सबसे पहले बाइक को पार्किंग किया। थोड़ा सा कैमरा घुमा के मैं पार्किंग एरिया को कैप्चर कर रहा हूँ अभी पूरा की पूरा, ताकि याद रहे मुझे ये एरिया। तो इस साइड पर तो मेरा पार्किंग हो गया, अब इधर से इस रास्ते से मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। पता नहीं कितना दूर होगा सिंगरी मंदिर के भीतर जाने में। तो चलिए चलते हैं। रास्ते में गन्ने का कुछ पार्ट इधर भी है और इस साइड पर भी है। थोड़ा सा आगे चल के पहाड़ों के कुछ नजारे और फिर ये रास्ते। इतना दूर से आया हूँ तो प्यास तो लगेगा ही, तो इस प्यास को बुझाने के लिए मैं थोड़ा सा गन्ने का जूस ही पी लेता हूँ। और ये देखिए ये मैडम किस तरह से काम कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते गए और रास्ते के दोनों पार दोनों किनारों में कुछ दुकान लगा हुआ है। ये दुकान ये शॉप कुछ इंटरेस्टिंग है। ये बेम्बो का है, इस वाला चीज आप लोग देख रहे हैं ना, ये कंप्लीट बेम्बो का है। इधर में गन्ने का जूस बहुत मिलते हैं। देखिए रास्ते के दोनों पर गन्ने ही गन्ने हैं। ये एक चिल्ड्रन पार्क दिखाई दे रहा है। ये देखिए इस साइड पर जूम करके दिखाता हूँ गणेश जी का मंदिर। हाँ, इधर से मेला का एंट्री गेट है, इधर से ही मेला का एंट्री गेट है। ये मेला का कंप्लीट व्यू दिखा रहा हूँ। कंप्लीट मतलब ये ऊपर से दिखा रहा हूँ, अभी नीचे जाना पड़ेगा। तो हम आ ही गए मेला के अंदर। मेला के अंदर डेकोरेशन का काम अभी भी चल रहा है। मुझे लगता है आज पहला दिन है ना इस सिंगरी मेला का, तो डेकोरेशन का काम अभी भी चालू है। रात को शायद कंप्लीट हो जाएगा। मेला से बाहर निकल के हम चल पड़े प्रभु जी की दर्शन के लिए। शिव जी को दर्शन करने के लिए आज इस सिंगरी मंदिर में बहुत ही भक्तों का समागम हुआ है, उसी का नजारा मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ। Oh,
पहला कौन।